तो हम जानने वाले हैं इतिहास और विवाद, लाखों लाख लोगों की आस्था का केंद्र है। जैसे मैंने आपको बताया, पूरब का रोमन साम्राज्य जो शिवेंद्र बता रहे थे, सल्तनते उस्मानिया, बहुत जरूरी चीज है। इसके बारे में जो है मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। और मस्जिद से म्यूजियम में बदल दिया गया और वर्तमान में राजनीति के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्हीं सब टॉपिक्स पे हम लोग इस जो है चर्चा करने वाले हैं। तो तुर्की का हागिया सोफिया दुनिया के सबसे बड़े चर्चों में से एक रहा है। इसे 6ठी शताब्दी में बाइजेंटाइन सम्राट जस्टिनियन के हुक्म से बनाया गया था। अब इस बात का फैसला होने जा रहा है कि इसे मस्जिद में तब्दील किया जाए या नहीं। यह संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक मामलों की संस्था यूनेस्को की विश्व धरोहरों की सूची में आता है। जब उस्मानिया सल्तनत ने शहर पर कब्जा किया तो 1453 में इसे मस्जिद बना दिया गया। इस्तांबुल में बने ग्रीक शैली के इस चर्च को स्थापत्य कला का अनूठा नमूना माना जाता है, जिसने दुनिया भर में बड़ी इमारतों के डिजाइन पर अपनी छाप छोड़ी है। देखिए, उस्मानिया सल्तनत ने जब जब कब्जा किया इस्तांबुल पे 1453 में, इसको मस्जिद बना दिया गया। यानी कि 1453 से पहले ये चर्च था। 1930 के दशक में इसे एक म्यूजियम बना दिया गया था। ये मामला अब अदालत में है कि इसे दोबारा मस्जिद बनाया जाए या नहीं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन अपने चुनाव प्रचार में इमारत को मुद्दा बना चुके हैं और उन्होंने इसे मस्जिद में बदलने का वादा भी तुर्की की मुस्लिम बहुल आबादी से किया है। तुर्की के इस्लामवादी राजनीतिक दल इसे मस्जिद बनाने की मांग लंबे समय से करते रहे हैं, जबकि धर्मनिरपेक्ष पार्टियां पुराने चर्च को मस्जिद बनाने का विरोध करती रही हैं। इस मामले पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, जो धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष आधार पर बटी हुई हैं। ग्रीस ने इस फैसले का विरोध किया है और कहा है कि ये चर्च ऑर्थोडॉक्स ईसाइयत को मानने वाले लाखों लाख लोगों की आस्था का केंद्र है। ग्रीस की सांस्कृतिक मामलों की मंत्री ने इसे धार्मिक भावनाएं भड़काकर राजनीतिक लाभ लेने की राजनीति करार दिया है। यूनेस्को के उप प्रमुख ने ग्रीक अखबार को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि इस चर्च के भविष्य का फैसला एक बड़े स्तर पर होना चाहिए, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की बात भी सुनी जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के इस प्रतिनिधि का कहना है कि तुर्की को इस बारे में एक पत्र लिखा गया था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि इस इमारत की स्थिति में बदलाव ठीक नहीं होगा, क्योंकि यह अलग अलग धार्मिक आस्थाओं के बीच एक पुल का काम करता रहा है। गुंबदों वाली ऐतिहासिक इमारत इस्तांबुल में बास्फोरस नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। बास्फोरस वह नदी है जो एशिया और यूरोप की सीमा तय करती है। इस नदी के पूर्व की तरफ एशिया और पश्चिम की तरफ यूरोप है। सम्राट जस्टिनियन ने सन 532 में एक भव्य चर्च के निर्माण का आदेश दिया था। यह उन दिनों इस्तांबुल को कॉन्स्टेंटिनोपोल या कुस्तुन तुनिया के नाम से जाना जाता था। यह बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी था, जिसको पूरब का रोमन साम्राज्य कहा जाता था। यानी कि चर्च कब बना, बनने का आदेश कब हुआ था, 532 में, यानी कि करीब करीब 1500 साल पहले। इस शानदार इमारत को बनाने के लिए दूर दूर से निर्माण सामग्री और इंजीनियर लगाए गए थे। ये तुर्की के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। 5 साल में ये चर्च बन के पूरा हुआ था, 537 ईस्वी में। ये ऑर्थोडॉक्स ईसाइयत को मानने वालों का अहम केंद्र बन ही गया, बाइजेंटाइन साम्राज्य की ताकत का भी प्रतीक बन गया। राज्याभिषेक जैसे अहम समारोह इसी चर्च में होते रहे। हागिया सोफिया, जिसका मतलब है पवित्र विवेक, यह इमारत करीब 900 साल तक ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च का मुख्यालय रही, लेकिन इसको लेकर विवाद केवल मुसलमानों और ईसाइयों ही में नहीं है। 13वीं सदी में इसको यूरोपीय ईसाई हमलावरों ने बुरी तरह तबाह किया और कुछ समय के लिए कैथोलिक चर्च बना दिया था। 1453 में इस्लाम को मानने वाले ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान मेहमद द्वितीय ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया और उसका नाम बदलकर इस्तांबुल कर दिया, और इस तरह बाइजेंटाइन साम्राज्य का खात्मा हमेशा के लिए हो गया। सुल्तान मेहमद ने आदेश दिया कि हागिया सोफिया की मरम्मत की जाए और उसे एक मस्जिद में तब्दील कर दिया जाए। इसमें पहले जुमे की नमाज में सुल्तान खुद शामिल हुए। ऑटोमन साम्राज्य को सल्तनते उस्मानिया भी कहा जाता है।
इस्लामी वास्तुकारों ने ईसाइयत की ज्यादातर निशानियों को तोड़ दिया या फिर उनके ऊपर प्लास्टर की परत चढ़ा दी। पहले यह सिर्फ एक गुंबद वाली इमारत थी, लेकिन इस्लामी शैली की 6 मीनारें भी इसके बाहर खड़ी कर दी गईं। 17वीं सदी में बनी तुर्की की मशहूर नीली मस्जिद समेत दुनिया की कई मशहूर इमारतों के डिजाइन की प्रेरणा हागिया सोफिया को ही बताया जाता है। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। साम्राज्य को विजेताओं ने कई टुकड़ों में बांट दिया। मौजूदा तुर्की उसी ध्वस्त ऑटोमन साम्राज्य की नींव पर खड़ा है। आधुनिक तुर्की के निर्माता कहे जाने वाले मुस्तफा कमाल पाशा ने देश को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया और इसी सिलसिले में हागिया सोफिया को मस्जिद से म्यूजियम में बदल दिया। 1935 में इसको आम जनता के लिए खोल दिया गया और तब से ये दुनिया के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक रहा है। करीब 1500 साल के इतिहास की वजह से तुर्की ही नहीं, उसके बाहर के लोगों के लिए भी ये बहुत अहमियत रखता है, खासतौर पर ग्रीस के ईसाइयों और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए भी। तुर्की में 1934 में बने कानून के खिलाफ लगातार प्रदर्शन होते रहे हैं, जिसके तहत हागिया सोफिया में नमाज पढ़ने या किसी अन्य धार्मिक आयोजन पर पाबंदी है। राष्ट्रपति एर्दोगान ने इन इस्लामिक भावनाओं का समर्थन किया है और हागिया सोफिया को म्यूजियम बनाने के फैसले को ऐतिहासिक गलती बताया। वो लगातार कोशिशें करते रहे हैं कि इसको दोबारा मस्जिद बना दिया जाए। विशेषज्ञ मानते हैं कि जब तुर्की के वर्तमान राष्ट्रपति रेसेप एर्दोगान ने तुर्की की राजनीति में प्रवेश किया था, तो उनके प्रमुख एजेंडे में हागिया सोफिया की तत्कालीन स्थिति शामिल नहीं थी। रेसेप एर्दोगान ने अपनी राजनीति के शुरुआती दौर में एक बार हागिया सोफिया को मस्जिद के रूप में बदलने की मांग पर आपत्ति भी जाहिर की थी। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है थोड़ा सा। हालांकि राष्ट्रपति रेसेप एर्दोगान ने इस्तांबुल में नगरपालिका चुनावों में हार के बाद अपना पक्ष पूरी तरह बदल दिया। इसके बाद जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यरूशलेम को इसराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी गई, तब रेसेप एर्दोगान ने भी हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदलने के पक्ष में बोलना शुरू कर दिया। जानकार मानते हैं कि हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद के रूप में बदलने को लेकर रेसेप एर्दोगान का पक्ष राजनीतिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा से काफी हद तक जुड़ा हुआ है। अपने इस कदम के माध्यम से वह पुनः अपना राजनीतिक समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं, जो इस्तांबुल के नगरपालिका चुनावों के बाद से लगातार कम होता जा रहा है। गौरतलब है कि हागिया सोफिया को लेकर यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब तुर्की और ग्रीस के बीच विभिन्न मुद्दों पर कूटनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी वर्ष मई माह में ग्रीस ने पूर्व बाइजेंटाइन साम्राज्य पर ऑटोमन साम्राज्य के आक्रमण की 567वीं वर्षगांठ पर हागिया सोफिया संग्रहालय के अंदर कुरान के अंशों को पढ़ने पर आपत्ति जताई थी। ग्रीस के विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में बयान जारी करते हुए कहा था कि तुर्की का ये कदम यूनेस्को के विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण संबंधी कन्वेंशन का उल्लंघन है। इस विषय पर ग्रीस ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि हागिया सोफिया विश्व भर के लाखों ईसाइयों के लिए आस्था का केंद्र और तुर्की में इसका प्रयोग राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अपने एक बयान में कहा था कि हागिया सोफिया को तुर्की की परंपराओं और उसके विविध इतिहास के एक उदाहरण के रूप में बनाए रखा जाना चाहिए। उन्होंने चेताया था कि हागिया सोफिया संग्रहालय की स्थिति में कोई भी बदलाव करने से अलग अलग परंपराओं और संस्कृतियों के बीच एक सेतु के रूप में सेवा करने की उसकी क्षमता को ये बात कमजोर करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। Subscribe to UPSC Pathshala and hit the bell icon to get the latest updates. Don't forget to register for our free live classes. Find the link in the description box. This is your chance to prepare yourself with personal trainers.